अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन 29-30-31 दिसंबर को अजमेर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में देश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। अधिवेशन में देश के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने व उनके शैक्षणिक उत्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। अजमेर के आजाद पार्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55वां चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज स्वागत समिति के अध्यक्ष अजमेर उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए तमाम गतिविधियों को सुदृढ़ करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन का अधिवेशन अजमेर में आयोजित होने जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता की जानकारी के साथ ही विद्यार्थियों के उत्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं देश में वर्तमान स्थिति को भी पटल पर लाया जाएगा। इस अधिवेशन में चित्तौड़ प्रांत के 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे, जिन्हें 3 दिन तक अलग अलग सत्रों में विभिन्न जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी। कल से 3 दिवसीय 29-30-31 दिसंबर को भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन होने जा रहा है। वह अधिवेशन कल प्रातःकाल 10 बजे से प्रारंभ होगा। प्रारंभ प्रदर्शनी, उद्घाटन, ध्वजारोहण, प्रस्ताविक सत्र और खुले अधिवेशन के रूप में होगा। इसमें मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि के नाते आ रहे हैं और इस पूरे चित्तौड़ प्रांत के हर ज़िले से कार्यकर्ता, छात्र प्रतिनिधि मिलकर के ऐसे लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें आने वाले हैं और 30 तारीख को अगले दिन हर जगह शोभा यात्रा निकलेगी। सड़कों के मुख्य मार्ग से होती हुई फिर खुले अधिवेशन के रूप में परिवर्तित होगी। इसमें छात्रों के शैक्षिक हितों की बात, राष्ट्रीय मुद्दों की बात, सामाजिक बातें, इनमें कई प्रस्ताव भी पारित होंगे, जिसके आधार पर अगले वर्ष विद्यार्थी परिषद छात्र जगत के माध्यम से एक देश को नई दिशा दे सके उसका चिंतन होगा, मनन होगा। इसके लिए एक स्वागत समिति का भी गठन किया है, जिसमें अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उसमें मेयर हैं, सांसद हैं और महापौर, उपमहापौर से लेकर के कई ब्यावर के, पुष्कर के सभापति और चेयरमैन भी हैं। ऐसे प्रमुख लोगों की एक बनाई है। मैं समझता हूँ उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे एक अद्भुत ये अधिवेशन होगा। मैं इस अवसर पर शिक्षाविदों से और आम जन से और विद्यार्थियों से आह्वान करूँगा कि वे आए, इस देशभक्त संस्था के साथ जुड़ें और इन कार्यक्रमों में भाग लेकर के इन छात्रों का उत्साहवर्धन करें। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश विदेश की जानकारियों के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जो बिल पेश किया गया है उसको लेकर भी जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्र के समर्थन में युवाओं की रैली भी शहर में निकाली जाएगी, जो राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हुए लोगों को जागरूक भी करेगी। अधिवेशन का मकसद बच्चों में राष्ट्र के प्रति सही भावना जानकारी देना है, जिससे कि वह बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो बच्चों को विभिन्न ज्ञान देंगे। देश में जो वर्तमान में बिल निश्चित रूप से देश आज जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत अभी नागरिकता संशोधन विधेयक भी है, दूसरे भी इसके साथ जुड़े हैं और इन सारे मुद्दों पर खुले रूप से चर्चा होगी। विद्यार्थी अपना मत व्यक्त भी करेगा, संगठन अपना इस पर प्रस्ताव भी पारित करेगा। निश्चित रूप से आज देश में जिस प्रकार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसमें राष्ट्रवाद को लेकर के राष्ट्रवादी संगठन भी अपनी नीति अनुसार इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा। रैली में भी कुछ चर्चा है? रैली निश्चित रूप से सड़कों के मुख्य मार्ग से होगी। रैली तो नारे लगाते हुए और एक युवा हमारे जो कुछ नारे हैं, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, अजमेर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह के देशभक्ति के नारे लगाते हुए सड़कों के मुख्य मार्ग से निकलेगी और उसके बाद अंत में जब एक खुले अधिवेशन के रूप में आएंगे तो उसमें इन सारे मुद्दों पर छात्र नेता अपने विचार प्रकट करेंगे। अजमेर व एक तरफ देश में NRC व CENPR बिल को लेकर घमासान चल रहा है, तो वहीं अजमेर में चित्तौड़ प्रांत अधिवेशन में इन सभी बिलों को लेकर युवाओं को जागृति फैलाई जाएगी, जिससे कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें सही जानकारियां मुहैया करा सके।